भारत देश अपने किस्से, कहानियों और हैरतअंगेज मान्यताओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इन कहानियों में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो अपने वजूद के बारे में हमें चीख चीख कर बताती हैं, तो कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिन पर विश्वास करना बेहद कठिन हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो पिछले 5000 सालों से जीवित है और समय समय पर वह अपनी मौजूदगी के संकेत हमें देता रहता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे महानुभावों का जिक्र आता है जो आज भी जीवित हैं। इन्हीं में से एक है अश्वत्थामा। कहा जाता है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक किला स्थित है जिसे असीरगढ़ किला का नाम दिया गया है, और इस किले के बारे में लोगों की मान्यता है कि इस किले में आज भी अश्वत्थामा आते जाते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है असीरगढ़ के किले में एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जिसमें आज भी हर रोज अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वे उतावली नदी में स्नान करने के बाद इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में एक तालाब स्थित है जो कि तपती गर्मी में भी नहीं सूखता है। वहां के बारे में ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जगह के कुछ स्थानीय निवासी ऐसे भी हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखे जाने का दावा किया है। वे बताते हैं अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता रहता है जिसे रोकने के लिए कई बार लोगों ने हल्दी तेल की मांग भी किया करते हैं। उस गांव के कई बुजुर्गों का मानना है जो व्यक्ति एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है वह मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठता है। हमारे वेदों के अनुसार अश्वत्थामा को उन अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है जो आज भी अपनी अमरता के कारण इस धरती पर मौजूद हैं और समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास हमें करवाते हैं। अश्वत्थामा के अलावा कुछ और भी ऐसे वीर हैं जिन्हें आज भी जीवित देखा गया है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।